इंशाल्लाह हम आपको किसी भी मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, हर मुश्किल में आपके साथ होंगे, तहरीक इंसाफ आपके साथ होगी, इमरान खान आपके साथ है और इमरान खान साहब किस ऑपरेशन में दहशत गर्दों को नहीं निकाल सके तो ये हमारी गलती है। हमने 80,000 सर काटे हैं अपने वतन के लिए, 80,000 और भी दे देंगे सर, खून वतन के लिए, खून अपने रब के लिए, बाइडन के लिए हमारा खून नहीं है। इमरान खान ने आज से 3 साल पहले कहा था इसी गर्मी में कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे किसी को नहीं दूंगा। क्यों कहा था उसने? उसको पता था ये दिन आएगा, उसको पता है कि जब भी लाशें चाहिए होती हैं तो पाकिस्तानी लाशें चाहिए, बलोच लाशें चाहिए, केपी की लाशें चाहिए, पंजाब की या सिंध की लाशें चाहिए। क्यों अमरीका में एक लाश गिरी है, यहां क्यों गिरे? फिरकावरियत करो, सूबाइयत लिसानियत करो, बम फाड़ो, पुलिस वालों को मारो, वो किसी के बच्चे नहीं है क्या? ये याद रखे, हम सबका एक ही दुश्मन है, वो पाकिस्तान से बाहर बैठा है। कल जो बेवकूफी, आप उसको जुल्म कहें, आप उसको बदनीयती कहें, आप उसको ज्यादती कहें, अवाम जो भी कर रही थी, अवाम को हक था, अवाम ने हती थी, अवाम अगर गलती भी कर रही थी, आपका काम था उनको माफ करना, आपका काम नहीं था कि हम बंदूक उन पे उठाते। सिक्योरिटी फोर्सेस भी रियासत है, अवाम भी रियासत है, रियासत रियासत पे हाथ नहीं उठा सकती, और अगर रियासत अवाम पे हाथ उठाएगी हम अवाम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनको इजाजत है गलती करने की। वो जहां भी गए आप उनको बात करके रोक सकते थे, आप गाड़ियां ले आते, आप 144 लगा देते। ये क्या तरीका है? क्या अपने हाथों पे ये जलिया वाला बाग है? ये अंदर पेशावर से अंग्रेज पाकिस्तान चला रहे हैं। मेरे साथ पख्तुनियार मेरा भाई बैठा हुआ है, काबीना का मेंबर है हमारे केपी का, आप सोच सकते हैं इसमें क्या गुजरी होगी। अली अमीन साहब ने हमसे 10 दफा बात की है, वो कह रहे कि ये बात एस्केलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। किस्म की गुर्बत है, स्कूल की, अस्पताल की, पैसे की, लेकिन एक जो हमें गुर्बत नहीं है वो गैरत की है। अल्हम्दुलिल्लाह गैरती कौम खुदा ने बनाया है, सच बोलते हैं और किसी से डरते नहीं सिवाय उस रब के जिसको हम सजदा करते हैं। मेरे भाई ने बहुत सारी बातें कवर कर दी हैं शहरयार ने, तो इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगी जो शहरयार खान ने कह दिए। मैं उसके अलावा कुछ एक खातून मेंबर होने से, एक बेटी होने की इस कौम की, एक औरत होने की, कल सबको ये गम तो है कि हमारे बच्चे शहीद हो गए, अस्पतालों में चले गए, पता नहीं किस किस्म के ज़ख्म है, जो दिल में ज़ख्म है, जो दिमाग पे ज़ख्म है, लेकिन किसी ने ये पूछा कि उस घर में जो ख़वातीन है, जो बेवा हो गई होगी, जो यतीम हो गई होगी, जिसकी गोद सुनी होगी, उसका जवाब कौन देगा? बनू 10 दिनों में 2 दफ़ा ज़ख्मी हुआ है, आज से 10 दिन पहले ज़ख्मी हुआ था, लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी, हमारे फौजी जवान भी मारे गए और कल हमारे निहत्ते मारे गए। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि जी के ऑपरेशन की इजाजत जो है कानूनी तौर पे, मेरे साथ वकील अगर कोई हो तो वो मुझसे बेहतर बता सकेंगे कि सूबाई असेंबली में ये लेके आएंगे, जब ये कैबिनेट से अप्रूव कर ले, ये कौमी असेंबली से अप्रूव कर ले, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में ये चीज आएगा, तो कौमी असेंबली में आपके ये नुमाइंदे इंशाल्लाह चट्टान की तरह अपने पख्तूनों के लिए खड़े होंगे। ऑपरेशन किसी सूरत हम नहीं होने देंगे, ये हमारे आप लोगों के साथ कमिटमेंट है। और नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कल ही असेंबली से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ करारदाद मंजूर की कि हम इजाजत नहीं देंगे। नंबर 2, स्पीकर ने आज मेरे ख्याल में रूलिंग दी है शफाफ तहकीकात के लिए, ताकि पता चले हम कभी भी, हम परमन लोग हैं, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे लोग कैंट्स के ऊपर अटैक करें, हम कभी नहीं चाहते कि कैंट के अंदर हम बदनज़्बी करें। अगर जिसमें इसमें जो जो भी मुलविस है, इंशाल्लाह अली अमीन साहब ने रात ही मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा पैगाम दे बनू के अवाम को कि इसमें जो जो मुलविस होगा एक परमन मार्च को, पासून को एक गलत तरफ ले जाने की, तो उन लोगों को हम केफर किरदार तक पहुंचाएंगे और हम कौम के सामने उनके तमाम नाम उनके सामने लेके आएंगे कि इतने बड़े मकसद के लिए हमारे हजारों की तादाद में जो लोग निकले थे अमन के लिए, क्यों उनको उस तरफ लेके गया लाखों की तादाद में। शुक्रिया। एक ही लीडर था जिसका नाम इमरान खान था, 9/11 के बाद जो चीख रहा था वो बता रहा था कि आप अपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन ना करें, ना भेजे अपनी फौज। आपने तारीख नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता कबायली अजला का। अगर आपको तारीख का पता होता और आप वो संगीन गलती ना करते पराई के जंग में, जो उस टाइम के एक फोन कॉल के ऊपर हमने अपनी पॉलिसी बदली और हम पराई
पराए लोगों की जंगों में हम हिस्सेदार बने, उसका नुकसान क्या हुआ कि जिसके नतीजे में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के 80-90 हजार लोग शहीद हुए, मेरे जना मसाजिद के ऊपर खुदकश हुए, मेरे हुजर में बम धमाके हुए, मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शहीद हुए, मेरे उलमाए कराम शहीद हुए, हमारी सिविलियन लोग शहीद हुए, हमारे पोलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया गया। अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीइन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अस्सलाम वालेकुम। आज अमन जरगा बनू जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान जो कि हमारे ईमान का मेवर है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 MNAs यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सूबाई मेंबरान असेंबली वो भी मौजूद हैं। मैं जनूबी अजला के एक बेटे होने के नाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान साहब के एक सिपाही होने के नाते आज आपके सामने अपनी टीम के साथ हम मौजूद हैं। आज सुबह अडियाला जेल में शानदाना गुलजार साहिबा और मेरी खान साहब से मुलाकात थी। हस्ब मामूल हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई और हम आज के हवाले से खान साहब से बनू के इस मौजूदा सूरत हाल पे अपने आप को आगाह करके आपके सामने हकीकत और वो तमाम चीज़ें सामने रखना चाहते थे जो कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब के सच्चे पक्के मानने वाले उम्मत मुस्लिमा का लीडर मर्द मुजाहिद मर्द कलंदर इमरान खान जो तमाम सोबतों के बावजूद उनका दिल आज पाकिस्तान के साथ धड़कता है और पाकिस्तान के अवाम की इज्जत नफ्स के हवाले से पाकिस्तान में मस्जिद मदरसा पाकिस्तान की माओ बहनों की इज्जत पाकिस्तान के तकद्दस पाकिस्तान की इज्जत नफ्स और पाकिस्तान के फैसलों के हवाले से जो इमरान खान साहब का मौकफ है वो सबके सामने। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कल उनसे डिटेल बात हुई, उस तमाम कम्युनिकेशंस हर किस्म का ब्लैकआउट है, तमाम चीज़ों के साइड को साइड पे रखेंगे। नंबर एक, अमन के लिए लोग क्यों निकले, वो कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि बनू वो शहर और जनूबी अजला और नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान इसी तरह क्वाट हंगू करक बनू लकी टांग डी आई खान और अगजई एजेंसी कुरम एजेंसी ये वो लोग हैं यहाँ के बुजुर्गों ने इस धरती माँ के लिए अपना खून दिया है। इन लोगों ने पाकिस्तान के वजूद में पाकिस्तान की बुनियादों में और फिर बिलखसूस कश्मीर के हवाले से और फिर 1989 के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक फौजी जवान नहीं होता था, यही मेरे कबाइल इसको गार्ड करते थे। फिर कोल्ड वॉर फिर सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान ये वो गैरतमंद पश्तून और कबाइल हैं जिन्होंने तमाम सोबतें बर्दाश्त की, IDPs बने, हर घर मुतासिर हुआ, हर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। आज भी कबाइल और फिर जानी खेल और बका खेल की कुर्बानियां कौन भूल सकता है। यहाँ का हर फर्द आज भी पाकिस्तान के अलम को उठाया हुआ है। उन्होंने 24 फरवरी को इमरान खान के नजरिए पे लगभग कहा और साबित क्या किया कि ये धरती हमारी है, इसके फैसले हम करेंगे, इसके फैसले कोई गैर नहीं करेगा। ये कैसे मुमकिन है कि बनू की माँ बनू के बुजुर्ग बनू की बहन बनू की बेटी बनू के मदरसे बनू के मस्जिद मेरे बुजुर्ग मेरी खैरत मेरी बुनियाद के फैसले गैर कैसे करेगा। ये वो सोच है जो सोच इमरान खान ने इस कौम को दी है। आज हम जब यहाँ पे जमा हुए हैं हम निसाद के लिए जमा नहीं हुए, हमने अपने आप हमने हल्फ लिया हुआ है कि इस धरती माँ पे अपना सब कुछ कुर्बान, हम इस गैरतमंद कौम जो कि पाकिस्तानी कौम है, हम पंजाब सिंधी बलोची खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान
आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद टेरिटरी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के जर्रे जर्रे की बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आप इस वक्त अमन के लिए लोग निकले, अमन तब मांगते हैं जब तमाम दरवाजे बंद किए जाएं, जब मिसिंग पर्सन्स हो, जब टॉर्चर किया जाए, जब अगवा किया जाए, जब मारा जाए, जबकि जब उनकी इज्जतों को पामाल किया जाए। 2611 किलोमीटर बॉर्डर 47 से लेकर अब तक हर आजमाइश बर्दाश्त करते रहे, फेंसिंग हुई, फेंसिंग के बाद क्या हुआ, चाहिए था ना कि अमन आ जाता। इमरान खान क्या कहता है कि ड्रोन हमले और फिर ताकत के जरिए आप ऑपरेशंस के जरिए आप लोगों को थ्रू फोर्स आप उनसे अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। इमरान खान कहते हैं ये आपके लोग हैं, इनको गले लगाएं, इन पर इन्वेस्टमेंट करें, इनको तालीम, सेहत, इज्जत नफ्स दें, इनकी खैरत को मत ललकारें, वरना तारीख पढ़ लें। और इमरान खान क्या कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग आप इनको गले लगाएं, इनके जरिए पाकिस्तान के दुश्मनान को टारगेट करें। लेकिन जो कुछ हो रहा है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्लियामान सुप्रीम है, अगर अवामी नुमाइंदे ग्रेड 22 एंड अबव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका ओहदा है, अवाम जिनको वोट दे, आप उनके साथ मशावरत करें, ये सुन्नत अंबिया कराम है, आप मशावरत करें, मशावरत के बाद एक लायमल इख्तियार करें। लेकिन ये डिक्टेशन जो है, ये डिक्टेशन किसी तौर पे कबूल नहीं है। हम मफाहमत के लिए, मेरे लीडर ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई शरीक होगी, हम तमाम सियासी पार्टियों को इज्जत की निगाह से देखते हैं, हम पाकिस्तान की बुनियादों के हवाले से पाकिस्तान के हर इदारे की इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल यानी आईन पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के ताबे आतियो रसूल, अवाम जमहूर रियासत के फैसले करती है, जमहूर अवाम की इज्जत होगी तो रियासत की इज्जत होगी। तो आज बनू से ये मैसेज है कि इमरान खान का मैसेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसेज ये है कि अमन के लिए जो जरगा निकला है, अमन को हर हवाले से प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए, हम शोल्डर टू शोल्डर हम खड़े हैं। हम पाकिस्तान के वो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी, वो जाली मैंडेट वाले, वो चोर और डकैत किधर है, शहबाज शरीफ किधर है, मोहसिन नकवी, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है, क्या ये पाकिस्तान की इज्जत नफ्स के हवाले से आपको कोई एहसास है, इनके दर्द का कोई एहसास है, यहाँ की माओ बहनों बेटियों की क्या इज्जत नहीं, क्या इनके बच्चों का खून रायगान जाएगा, कौन रोल प्ले करेगा, कौन इनके लिए आवाज उठाएगा। आपकी खामोशी साबित करती है कि आपको पाकिस्तान के मफादात से कोई लेना देना नहीं, ये खामोशी साबित करती है कि आप रिमोट कंट्रोल से किसी खैर के इशारे पे चल रहे हो। पाकिस्तानी कौम और पश्तून जाग चुकी है, हम एक कौम है, हम पाकिस्तान जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा ईमान है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की इज्जत नफ्स भी हमारा ईमान है, हम सारे यहाँ पे जमा हुए हैं। आखिर में सिर्फ मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ भरपूर मुसब्बत करती है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है कि जो भी शहीद हुए, जख्मी हुए, इस पर इमीडिएट इंक्वायरी हो, कौम के सामने इंक्वायरी रखी जाए, लोगों को इत्माद मिले, बनू और जनूबी अजला और खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, चीफ मिनिस्टर को इत्माद मिले के यहाँ के हवाले से इन सब के साथ, इस जरगे के साथ तमाम डिटेल्स में बातचीत हो, और फिर जो फैसला कौम का फैसला और सबका होगा, वो फिर अवाम भी मानेगी और दुनिया भी उसको इज्जत की नज़र से देखेगी। तो अभी मैं शंदाना गुलजार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।